दोस्तों सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट HP चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि और मेरी तरफ से आप सबको एक प्यारा सा बेस्ट विशेष वाला गुड मॉर्निंग। और आज हम एक ऐसे महान ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे जिसके उपदेश आज भी हमारे जीवन को एक पल में बदल सकते हैं। इस दुनिया के सभी सवालों के जवाब भागवत गीता में छिपे हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटके या उसे कोई रास्ता दिखाने वाला न मिले तो गीता के उपदेश रास्ता दिखाकर नया संचार पैदा कर देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के अलावा धृतराष्ट्र एवं संजय ने भी सुनी थी। अर्जुन से पहले गीता का परम पावन ज्ञान श्री हरि ने सूर्य देव को सुनाया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। भगवत गीता का सार हमारे जीवन को एक पल में कैसे बदल सकता है, देखिए। महाभारत काल में दिया गया गीता का उपदेश आज भी प्रासंगिक है और गीता का उपदेश समस्त जगत के लिए है, जो इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं छोड़ सकता। प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वो ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है पर मन ही मन उसमें डूबा रहता है। मनुष्य का स्वार्थ उसे नकारात्मक की ओर धकेलता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वार्थ को कभी भी अपने पास मत आने दो। जो इंसान अपने नजरिए को सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करता है वह अंधकार में धंसता जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। जो मनुष्य मन को अपने वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। और जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवद गीता के कुछ श्लोकों में तो लाइफ मैनेजमेंट के फंडे हैं जो भविष्य में हमारे काम आ सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगतिवक्ता धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चयत। अर्थात हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग मुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। मैनेजमेंट फंडा यह है कि धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक ही सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश हानि लाभ का विचार नहीं करें। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। और मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नापतोल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है और उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल भी देता है, जिसका बाद में उसे ज्यादा हानि उठाना पड़ता है। श्रीमद् भगवत एकांश स्कंद अध्याय में 7वां श्लोक 6-12। तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम में मुझ में अपना मन लगाकर सम दृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन में सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है वह सब नाशवान है। स्वप्न की तरह मन का विलास है, इसलिए ये माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा जान लो।
जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, वो वास्तव में चित्त का भ्रम है। नानात्व का भ्रम हो जाने पर यह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना की जाती है। और जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया, वो उसी के कर्म अकर्म और विकर्म रूप का प्रतिपादन करता है। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्मों से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्मों का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसका साक्षात्कार भी कर लिया, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, वह समस्त प्राणियों का हितेशी सहृदय होता है और उसकी सारी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप में देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। आत्मा और शरीर। गीता के अनुसार संसार के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। वही एक विश्वव्यापी चैतन्य सभी प्राणियों में कर्ता और भोक्ता दोनों में काम कर रहा है। इसलिए सबसे गहरे स्तर पर व्यक्ति की आत्मा की अलग से सत्ता नहीं है, पर सतही स्तर पर हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान है। जब हम आत्मा की बात करते हैं, तो हमारा आशय किसी विशेष शरीर से जुड़ी चेतना से होता है। बाहर से हम अलग अलग व्यक्तियों की पहचान उनके अलग अलग शरीरों से करते हैं। जैसे अगर हम क और ख में अंतर कर उन्हें पहचान सकते हैं, तो यह उनके अलग दिखने वाले शरीरों के कारण है। वास्तव में हमारे लिए क और ख के शरीर ही क और ख हैं, किंतु अंदर से सभी व्यक्ति अपने आप को अपने मन और अहंकार की गतिविधियों और अपने चित्त में उठने वाली अनुभूतियों के आधार पर जानते हैं। उनकी इंद्रियां और मन ने जो भी जानकारी एकत्रित की, उससे उनके बारे में बिंब बने हैं, और वे बिंब उनके अहंकार के चारों ओर बुने हुए हैं। गीता के अनुसार इंद्रियों, मन और अहंकार का यह कार्य भी प्रकृति ही द्वारा किया जा रहा है। इस गतिविधि के बीच में उन सबके पीछे एक व्यक्ति के होने का भाव उदित होता है। यदि इंद्रियों, मन और अहंकार को सर्वथा शांत कर लिया जाए, तो उस अवस्था में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देख सकने का कोई भी आधार नहीं होगा। इस प्रकार सतही स्तर पर इस संसार में असंख्य व्यक्ति रहते प्रतीत हो रहे हैं, पर गहरे स्तर पर वही एक चैतन्य उन सभी में अभिव्यक्त हो रहा है। कोई एक चेतन तत्व है जो हमारे शरीर में रहकर उसकी सभी गतिविधियों का संचालित करता है। सबसे गहरे स्तर पर रहने वाले वह तत्व शरीर में जो कुछ भी होता है, उससे सदा अप्रभावित रहता है। यह चेतन तत्व सदा ही इतिहास के परे रहता है। यद्यपि वह यह तत्व संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसे नियंत्रित कर रहा है, पर यह स्वयं संसार की घटनाओं से अछूता है। यह तत्व शुद्ध चैतन्य है। इस प्रकार चैतन्य में कोई इतिहास नहीं है, सिर्फ पदार्थ में इतिहास है। यही चैतन्य हमारे शरीर के अंदर सीमित हो जाने पर हमारी आत्मा कहलाता है, और शरीर की मृत्यु पर चैतन्य स्वरूप आत्मा वर्तमान शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, यह प्रश्न बहुत स्वाभाविक है, किंतु इस प्रश्न में मेरा शब्द उस शरीर की ओर संकेत कर रहा है जो प्रति क्षण बदल रहा है। मेरी मृत्यु के बाद जो कुछ भी होगा, वो इसी शरीर का तो होगा जिसने मेरे जन्म के समय यह शरीर धारण किया था, जिसे मैं अपना शरीर कहता आया हूं। अगर हम अपने जन्म के पहले से विद्यमान उस तत्व को जान ले, तो फिर यह प्रश्न ही नहीं रहता कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि वही एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सभी प्राणियों के शरीर में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो,
कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो और भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से ही लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी ईश्वर को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल को किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त आनंद अनुभव करेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक अवश्य करें, शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।